जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी, माँ भगवती का एक ऐसा अलौकिक रूप जिससे करोड़ों श्रद्धालुओं की सदियों से आस्था जुड़ी हुई है। क्या सुखी इंसान, क्या दुखी, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या बच्चा और क्या ही बूढ़ा, महामाई का बुलावा जिसको भी आ जाए वो यहाँ खिंचा चला आता है। माता वैष्णो देवी जी जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत पर पिंडी रूप में विराजमान हैं। माता के लाडले भक्त 12 किलोमीटर की ये यात्रा कर महामाई के चरणों में हाजिरी लगाते हैं और मनचाही इच्छा मांगते हैं। और आज की स्पेशल वीडियो में हम आपको संपूर्ण वैष्णो देवी यात्रा करवाने वाले हैं। आपकी ट्रेन से लेके रूम बुकिंग, हेलीकॉप्टर, भवन डॉर्मिटरी, पुरानी गुफा की टाइमिंग्स, फ्री अथका आरती और लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन की सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाले हैं। और इसके साथ हमारे काफी सारे व्यूअर्स वैष्णो देवी के साथ कश्मीर ट्रिप का भी प्लान करते हैं, उसके ऊपर भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आप भी अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ वैष्णो देवी जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है बट हम दावा करते हैं अगर आप इसमें हमारे साथ एंड तक बने रहेंगे तो आपकी यात्रा में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको वैष्णो देवी पहुंचना कैसे है। माता वैष्णो देवी की यात्रा कटरा से शुरू होती है। यहाँ पहुंचने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है बाय ट्रेन का। कटरा रेलवे स्टेशन देश के सभी बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड है। अगर आपको अपने स्टेट से कटरा के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो पहले आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक आ सकते हो। यहाँ से आपको डेली बेसिस पे कटरा के लिए ट्रेन्स मिल जाती हैं। बट इस बात का आप ध्यान रखें, वैष्णो देवी रेलवे लाइन हमारी कंट्री का बिजीएस्ट रूट है और इसके लिए आपको ट्रेन टिकट्स एडवांस में ही बुक करके चलनी होती हैं। अगर आपको कटरा तक की ट्रेन नहीं मिलती है तो आप जम्मू तवी तक ट्रेन से आ सकते हैं। जम्मू से कटरा 45 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए आपको स्टेशन से ही इजीली बसेज और टैक्सीज मिल जाती हैं, जिसका किराया रहता है अराउंड 80 रुपीज। और अगर आपको कोई भी ट्रेन नहीं मिल पाती है तो दिल्ली के कश्मीरी गेट से डेली वैष्णो देवी के लिए वॉल्वो बसेस का ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है, जिसका टिकट प्राइस रहता है अराउंड 1000 रुपीज। हमने कटरा के लिए जो ट्रेन बुक करी है उसका नाम है उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ये ट्रेन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से डेली रात को 8:50 पे निकलती है और सुबह 7:55 पर वैष्णो देवी कटरा पहुंच जाती है। इसका स्लीपर क्लास का फेयर रहता है 400 रुपीज और थर्ड एसी का फेयर हमें पड़ा 1040 रुपीज। एकदम करेक्ट टाइम 7:55 पर हम पहुंच गए हैं वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर। आप देख सकते हैं कटरा की इस पावन नगरी से महामाई भगवती का निवास स्थान त्रिकुटा पर्वत कितना ज्यादा आकर्षक दिख रहा है। अब चलते हैं स्टेशन के बाहर और आपको सारी फॉर्मेलिटीज के बारे में भी बताते हैं। कटरा पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले अपने RFID कार्ड इशू करवाने होते हैं, जिसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते। कटरा में RFID कार्ड बनवाने के लिए 4 से 5 रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बने हुए हैं और इसका कोई चार्ज भी नहीं होता। इसे आप सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक कभी भी इशू करवा सकते हैं। 5 साल से ऊपर हर एक व्यक्ति के लिए RFID कार्ड बनवाना जरूरी है। इसका एक काउंटर रेलवे स्टेशन के अंदर भी बना हुआ है, आप चाहें तो यहाँ से भी RFID कार्ड बनवा सकते हैं, बट यहाँ पर ज्यादा रश होने की वजह से ये हम कटरा चौक से ही बनवाएंगे। अब हम कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर बने हुए टैक्सी स्टैंड पर आ गए हैं। आप यहाँ से ऑटो या टैक्सी लेके कटरा चौक तक जा सकते हैं। एक ऑटो का चार्ज रहता है 160 रुपीज और टैक्सी का चार्ज होता है 260 रुपीज। अगर आपको कोई होटल नहीं लेना है तो आप यहीं से डायरेक्ट बाणगंगा चेक पोस्ट तक ऑटो भी ले सकते हो, जिसका चार्ज रहता है 260 रुपीज। बीस मिनट के अंदर हमें टैक्सी वाले ने कटरा चौक पर छोड़ दिया है और यहीं से हमारी वैष्णो देवी यात्रा शुरू होती है। यहीं से आप अद्भुत और पावन त्रिकुटा पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। ये जो राइट साइड वाला रास्ता है ये कटरा मेन मार्केट की ओर जाता है और लेफ्ट साइड वाला रास्ता डायरेक्ट जाता है बाणगंगा की ओर। यहाँ से आपको बाणगंगा चेक पोस्ट के लिए ऑटो भी मिल जाते हैं, जिसका चार्ज रहता है 110 रुपये। ये है कटरा की मेन मार्केट, जहाँ पर आपको काफी सारे छोटे और बड़े रेस्टोरेंट्स और होटल्स मिल जाते हैं। यहाँ मेन चौक पर आपको JNK टूरिज्म डेवलपमेंट का क्लॉक रूम भी मिल जाएगा। अगर आपको रूम नहीं लेना है और बस सामान जमा करना है तो आप 30 रुपीज दे के 24 घंटे के लिए अपना सामान यहाँ रखवा सकते हैं। इसी के पास यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर भी है, जहाँ से आप अपने लिए RFID कार्ड भी इशू करवा सकते हैं।
यहाँ से जब आप थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो श्राइन बोर्ड का निहारिका कॉम्प्लेक्स आ जाता है। निहारिका कॉम्प्लेक्स में सभी भक्तों के लिए रुकने की व्यवस्था होती है, बट ज़्यादा रश बढ़ जाने के टाइम पे रूम मिलना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। यहीं से आप ऊपर भवन पे डॉर्मेट्री भी बुक करवा सकते हैं, बट उसके लिए आपको सुबह 3 बजे लाइन में लगना होता है। अगर फिर भी आप यहाँ बुकिंग करने में असमर्थ रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, डॉर्मेट्री के अलावा आपको भवन पे रुकने के कुछ और भी ऑप्शन मिल जाते हैं जिसके बारे में हम आपको ऊपर जाकर बताएंगे। हमारे बहुत से व्यूअर्स की हेलीकॉप्टर की बुकिंग के ऊपर भी काफी क्वेरीज आई थी। ऐसे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग एडवांस में ऑनलाइन ही करके जाएं, और इसके लिए आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट maavaishnodevi.org पे ही विजिट करना है। 2 महीने पहले इसकी बुकिंग विंडो ओपन हो जाती है। सपोज कीजिए आप हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग करना भूल गए हैं या फिर आपका प्लान एंड टाइम पे बना है, तो आपके पास ऑफलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग का ऑप्शन भी बच जाता है। हेलीकॉप्टर की ऑफलाइन टिकट्स आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स से ही मिलती हैं। इसके लिए डेली मॉर्निंग में 5 बजे काउंटर खोला जाता है, बट आपको सुबह 3 बजे से आके यहाँ पे लाइन में लग जाना है क्योंकि यहाँ हमेशा ही रश मिलता है। इसमें कटरा से सांझी तक का फेयर रहता है 2100 रुपीज, फिर सांझी तक से आप बाय वॉक या फिर घोड़े या पालकी से भवन तक पहुँच सकते हैं। हम ये पूरी यात्रा पैदल ही करेंगे जिसमें बहुत ही आनंद आएगा, बट अपनी यात्रा शुरू करने से पहले हमें लेना है एक रूम ताकि हम थोड़ा नहा धो के फ्रेश हो जाएं। कटरा में आपको जगह जगह प्राइवेट होटल्स और गेस्ट हाउस मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ घंटों के हिसाब से भी रूम मिल जाता है जिसमें आप नहा के अपना लगेज भी वहाँ रखवा सकते हैं, और आजकल ये होटल वाले आपको होटल से बाणगंगा चेक पोस्ट तक की फ्री टैक्सी सर्विस भी देते हैं जिससे थोड़ा टाइम बच जाता है। ये है हमारा बेसिक सा होटल जो हमने 4 से 5 घंटों के लिए लिया है। इसका चार्ज हमें पड़ा 400 रुपीज। गाइज ये हमारा रूम है जो हमने फ्रेशअप के लिए लिया है और काफ़ी बजट फ्रेंडली है। एक इसमें बाथरूम भी है अटैच्ड, क्वाइट क्लीन, और थोड़ा सिटिंग ऑप्शंस भी बने हुए हैं। अब यात्रा शुरू करने से पहले हमें बनवाने पड़ेंगे अपने RFID कार्ड्स। हमारे होटल के पास ही श्राइन बोर्ड का काउंटर नंबर 2 है जहाँ इतना रश भी नहीं रहता। सबसे पहले हम वहीं जा रहे हैं। RFID कार्ड बनवाने के लिए आपको अपना एक ID प्रूफ भी दिखाना होता है। रजिस्ट्रेशन काउंटर खाली पड़ा था तो हमारे RFID कार्ड बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। चलिए शुरू करते हैं वैष्णो देवी जी की पावन यात्रा। जय माता दी करते हुए सबसे पहले हम बढ़ रहे हैं बाणगंगा चेक पोस्ट की ओर। अगर आप वैष्णो देवी एक बड़े फैमिली ग्रुप में आए हो तो आपका एक दूसरे से बिछड़ना एक साधारण सी बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर स्टेट में किसी अदर स्टेट की प्रीपेड सिम काम नहीं करती। ऐसे में भीड़ होने की वजह से यात्रा में अक्सर लोग बिछड़ जाते हैं। ऐसे में आप सब पहले ही कुछ लैंडमार्क्स पर गैदरिंग पॉइंट्स डिसाइड करके चलें ताकि आप वहां पर फिर से मिल जाएं। अब हम पहुंच गए हैं बाणगंगा चेक पोस्ट, और यात्रा शुरू करने से पहले जयकारा लगाना तो बहुत जरूरी है। जयकारा शेरावाली दा, शेरावाली की जय। यहाँ पर आपका सिक्योरिटी चेक होता है जिसमें RFID कार्ड्स और लगेज चेक किया जाता है। ऑन एन एवरेज आपको यहाँ पे 15 से 20 मिनट लग ही जाते हैं। आप कोशिश यही करें कि यात्रा में आप कम से कम लगेज लेके आए ताकि यात्रा के दौरान आपको ज्यादा थकान ना हो। माता रानी का दरबार 24 घंटे खुला रहता है और ऑन एन एवरेज यात्रा पूरी करने में आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। इस पूरी यात्रा में हमारे साथ बने रहें, हम आपको इस यात्रा मार्ग के हर वो सुंदर नज़ारे दिखाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको ये लगेगा कि आप भी इस यात्रा का हिस्सा हैं। यहाँ से चढ़ाई करने के लिए 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता है ताराकोट मार्ग, जहाँ पर आपको ना के बराबर भीड़ मिलेगी, रास्ते भी खुले हैं और यहाँ पर घोड़े खच्चर भी अलाउड नहीं है, और वहीं दूसरा रास्ता है बाणगंगा मार्ग जो पुराना रास्ता है। इस रास्ते में हमेशा आपको भीड़ मिलेगी, और जो लोग पहले से वैष्णो देवी आ रहे हैं वो पुराने मार्ग से ही अपनी यात्रा करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही भक्तों की रौनक लगी रहती है। हम भी हमेशा पुराने रास्ते से ही माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सबसे पहले पड़ाव बाणगंगा की ओर। यहाँ से आपको घोड़े और पालकी के लिए भी बुकिंग काउंटर मिल जाते हैं। यहाँ से डायरेक्ट भवन तक का पोनी वाले 1250 रुपये चार्ज करते हैं। इसी के लिए पालकी का 3200 रुपये का चार्ज रहता है,
और इसके अलावा बच्चों के लिए वॉकर भवन तक 540 रुपए का चार्ज लेते हैं। यही है पवित्र बाणगंगा। मान्यताओं के अनुसार बजरंग बली को जब प्यास लगी थी तो इसी स्थान पर वैष्णो माता ने बाण चलाकर गंगा जी को प्रकट किया और बजरंग बली ने यहीं से जल पीकर अपनी प्यास बुझाई थी और बाद में माता ने यहाँ अपने केश भी धोए, जिस वजह से इसको बाल गंगा भी बोला जाता है। और आपको यहाँ आशीर्वाद लेके ही अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार वैष्णो देवी यात्रा से पहले बाण गंगा में स्नान करना भी अनिवार्य बताया गया है। यहाँ पे वाटर लेवल थोड़ा कम है, इसके आगे एक और बाथिंग घाट है जिस पर वाटर लेवल काफी तेज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है बाणगंगा का बाथिंग घाट। यहाँ नीचे जाके आप बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ी खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है, आप चाहें तो सपोर्ट के लिए एक लाठी भी ले सकते हैं। यात्रा मार्ग में थोड़ा आगे बढ़ने पर माँ वैष्णो का इच्छा पूर्ण मंदिर आता है। आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पे भी माँ माई का आशीर्वाद जरूर लें। अराउंड 2 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद अब हम पहुंच गए हैं श्री चरण पादुका मंदिर। कथाओं के अनुसार जब भैरवनाथ माता वैष्णो देवी का पीछा कर रहे थे तो माता ने इसी स्थान पर पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। यहाँ खड़े होने की वजह से माता के चरणों के चिन्ह यहाँ पर बन गए, जिस वजह से इस स्थान को श्री चरण पादुका का नाम दिया गया। आप भी यहाँ अंदर आकर माँ आदिशक्ति के श्री चरणों में हाजिरी जरूर लगाएं। अब इसके बाद हमारा अगला पड़ाव होगा माँ अर्धकुंवारी। यहाँ से बीच बीच में कुछ सीढ़ियों का मार्ग भी आता है। सीढ़ियों से जाने में थोड़ा टाइम बच जाता है, बट अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है या ब्रीदिंग इश्यूज हैं, तो आपको स्टेयर्स को ना लेके नॉर्मल रास्ते से ही चढ़ाई करनी चाहिए। बट आपकी बॉडी अगर अलाउ करती है तो बीच बीच में सीढ़ियाँ ले लेनी चाहिए। इस चढ़ाई में आपको थोड़ी थकान जरूर महसूस होगी, बट माता ने बुलाया है तो हिम्मत भी वही देती है, इसलिए पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा और जय माता दी करता जा। जय माता दी। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरे कटरा शहर का कितना अमेजिंग व्यू आ रहा है। वैसे तो आपको जगह जगह खाने पीने की छोटी मोटी शॉप्स मिल जाती हैं, बट इस पर्टिकुलर स्टॉल से हम हमेशा ही लेमन सोडा पीते हैं, जिससे बिल्कुल भी डिहाइड्रेशन नहीं होती। ये लेमन सोडा सच में काफी रिफ्रेशिंग है। यू मस्ट ट्राई इट व्हेनेवर यू कम हियर। थोड़ी भूख भी लग रही थी तो ऐसे टाइम पर बेस्ट रहता है यहाँ का कुकुम्बर सैलेड। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ से अर्धकुंवारी कुछ ही दूर पर रह जाती है। यात्रा मार्ग में आपको जगह जगह वाटर आरओ और टॉयलेट की सुविधा भी उपलब्ध है। अब हम पहुंच गए हैं श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास। इस टी पॉइंट पर वैष्णो देवी की आधी यात्रा कंप्लीट हो जाती है। यहाँ से जो राइट में रास्ता गया है वो जाता है अर्धकुंवारी गुफा की ओर, और लेफ्ट में हिमकोटी मार्ग है जो डायरेक्ट जाता है भवन के लिए। यहीं से आपको भवन के लिए बैटरी कार भी मिल जाती है, जिसका चार्ज रहता है 350 रुपए। अगर आपको लाइन में लगने से बचना है तो आपको ये बैटरी कार श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से प्री बुक करके ही यहाँ आना चाहिए। बट हम भवन पे जाने से पहले माँ अर्धकुंवारी के दर्शन करेंगे। जैसे जैसे हम माता के दरबार के पास पहुंचते जा रहे हैं, वैसे वैसे भक्तों का हर्षोल्लास भी बढ़ रहा है। ये है अर्धकुंवारी का व्यू पॉइंट, जहां से आप सुंदर त्रिकुटा पर्वत का मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। यहाँ का व्यू काफी अच्छा है, तो आपको यहाँ पे एक दो फोटोज जरूर क्लिक करवानी चाहिए। अराउंड 3 घंटे की चढ़ाई के बाद अब हम फाइनली पहुंच गए हैं माँ अर्धकुंवारी के दरबार में। अर्धकुंवारी वैष्णो देवी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है,
यहाँ पर आपको सभी सर्विसेज मिल जाती हैं, जैसे यात्रियों के लिए वेटिंग हॉल, पुलिस चेक पोस्ट, एमरजेंसी के लिए डिस्पेंसरी और यात्रियों के रुकने के लिए डॉर्मिट्री और ब्लैंकेट स्टोर भी। बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर ठहरकर आराम भी करते हैं, जिसके लिए श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित कुछ धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं। बट यहाँ पर आने से पहले आपको उन्हें ऑनलाइन ही बुक करके आना है। अर्धकुंवारी में खाने पीने के ऑप्शंस की भी कोई कमी नहीं। यहाँ पर आपको श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित भोजनालयों के अलावा इंडियन और वेस्टर्न फूड आउटलेट्स भी मिल जाते हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स, CCD, बीकानेर वाला एंड सागर रत्ना। गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए आपको पहले पर्ची कटवानी होती है, जिसमें आपको एक ग्रुप नंबर अलॉट होता है। गुफा काफी संकरी है, तो श्रद्धालुओं को पूरी सेफ्टी के साथ आराम आराम से गुफा के अंदर ले जाया जाता है। इसी वजह से इसमें 12 घंटे की वेटिंग चलती है। अगर आपको अपना टाइम मैनेज करके चलना है तो आपको यहाँ से पर्ची कटवा कर आगे भवन के लिए बढ़ जाना चाहिए, फिर वापसी में यहाँ आना चाहिए। लगभग उस टाइम तक आपके ग्रुप का नंबर भी आ जाता है। अगर आपका नंबर निकल भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास अपनी पर्ची संभाल के रखी है तो आपको अंदर जाने देते हैं। और अगर आपको टाइम ना होने के कारण गुफा के दर्शन नहीं करने हैं तो बैक साइड से जाकर आप अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई भी टोकन या लाइन की जरूरत नहीं होती। ये देखिए, यही है अर्धकुंवारी की पवित्र गुफा, जहां पर माँ वैष्णो देवी ने 9 महीने तक तपस्या की थी। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना प्यारा है। अब हम चलते हैं अर्धकुंवारी के भोजनालय में और करते हैं लंच। वैसे तो यहाँ पर खाने पीने के काफी ऑप्शंस होते हैं, बट हम हमेशा से ही यहाँ के कढ़ी चावल और राजमा चावल ही लेंगे, जो काफी टेस्टी होते हैं। लंच करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे माता रानी के भवन की ओर। यहाँ से भवन तक जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता है हाथी माथा का, जो वाया सांची छत होके निकलता है, और दूसरा हिमकोटी मार्ग है, जो इस टनल से होके निकलता है। हाथी माता वाला रास्ता पुराना है और यहाँ पर खड़ी चढ़ाई है, जिससे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और वहीं हिमकोटी मार्ग चौड़ा होने के साथ साथ थोड़ा इजी भी रहता है, इसलिए आपको हिमकोटी मार्ग से ही भवन की ओर निकलना चाहिए। हाथी माता मार्ग वापसी में उतरने में बेस्ट रहता है, जिससे आप बड़ी जल्दी नीचे उतर जाते हैं, इसलिए हम वापसी हाथी माता मार्ग से ही करेंगे। चलिए जय माता दी करते हुए अब चलते हैं महामाई के दरबार की ओर। जय माता दी। जय। आप देख सकते हैं इस मार्ग पर घोड़े खच्चर भी अलाउड नहीं है, जिस वजह से काफी साफ रहता है। देखते ही देखते शाम भी हो गई है। चेक आउट दिस मैजेस्टिक व्यू ऑफ सनसेट। अब यहाँ से भवन बस 2.5 किलोमीटर दूर रह गया है। ये इस चढ़ाई का आखिरी पड़ाव है। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा स्टीप है। भवन से अराउंड 1 किलोमीटर पहले साकेत भोजनालय है, जहां पर बैठकर आप खा पी सकते हैं। ये जो आखिरी का 1 किलोमीटर है, इसमें काफी ज्यादा लैंडस्लाइड्स का रिस्क रहता है। बेटर है आप इस जगह पे बिना रुके धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। यहाँ का मौसम भी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। आप अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रख के लाएँ, और अगर आप मॉनसून में यहाँ आ रहे हैं तो अपने साथ रेनकोट रखना ना भूलें। तो जी, माँ भगवती के आशीर्वाद से अराउंड 6 घंटे में हम माता रानी के भवन पे पहुँच गए हैं। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले आपको पार्वती भवन दिखेगा। श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे आपको काफ़ी सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं।
यहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर पे क्लॉक रूम का काउंटर मिल जाता है। मात्र 100 रुपए की रिफंडेबल सिक्योरिटी देके आप यहाँ पे एक लॉकर ले सकते हैं। चलिए आपको पार्वती भवन को अंदर से भी दिखा देते हैं। यह है फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे पूरे एरिया में लॉकर रूम बना हुआ है। आप अपना सारा सामान यहीं जमा करवा के जा सकते हैं। सेकेंड और थर्ड फ्लोर पे फ्री बाथरूम्स हैं, जिसमें सेकेंड फ्लोर लेडीज़ के लिए हैं और वहीं थर्ड फ्लोर जेंट्स के लिए हैं। आप देख सकते हैं इस फ्लोर पर कितने सारे बाथरूम्स हैं और जो एकदम साफ दिख रहे हैं। बट हम सबकी यही जिम्मेदारी बनती है कि हम जब भी यहाँ आए तो इधर बिल्कुल भी गंदगी ना फैलाएं और इसको ऐसा ही साफ सुथरा ही छोड़ के जाएं। अब इसके अलावा हमारे व्यूअर्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे भवन पर रुकने के लिए रूम से रिलेटेड। पार्वती भवन से थोड़ा आगे बढ़ते ही मनोकामना भवन आ जाता है। आपको यहाँ 150 रुपए में डॉर्मेट्री बेड मिल जाता है, बट ये ऑफलाइन मिलना थोड़ा मुश्किल ही होता है। आपको इसके लिए एटलीस्ट 2 महीने पहले ऑनलाइन ही बुकिंग करके आना होता है। स्टिल आपको बुकिंग नहीं मिल पाती तो महामाई के दरबार में आराम करने के लिए जगह की कोई कमी नहीं। हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो श्राइन बोर्ड का ही दुर्गा भवन है, जो किसी प्राइवेट होटल से कम नहीं। ये धर्मशाला 5 मंजिल की है, जिसमें आप 150 रुपए की डॉर्मेटरी बेड के साथ साथ बिना किसी शुल्क के फ्री में भी सो सकते हो। चलिए आपको दुर्गा भवन का एक छोटा सा टूर करवा देते हैं, फिर चलेंगे माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। दुर्गा भवन डेली शाम को 7 बजे खोला जाता है। ये पूरे वैष्णो देवी की सबसे बड़ी धर्मशाला में से एक है। इसमें लिफ्ट और हर फ्लोर पर काफ़ी साफ सुथरे बाथरूम्स भी बने हुए हैं। फॉर सिक्योर बुकिंग इसको आप 2 से 3 महीने पहले ऑनलाइन भी बुक करके आ सकते हो। स्टिल आपको बेड नहीं मिलता है तो हर फ्लोर पर श्रद्धालुओं के लिए सोने की फ्री व्यवस्था भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर गद्दे बिछे हुए हैं और आप 100 रुपए की रिफंडेबल सिक्योरिटी जमा करवा कर यहाँ पे ब्लैंकेट भी ले सकते हो। अब इसके अलावा पुरानी गुफा की टाइमिंग्स को लेके भी हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आई थी। एक्चुअल में पुरानी गुफा ओपन होने का कोई भी ऑफिशियल टाइम नहीं होता है। जब भी वहाँ भीड़ कम होती है तो पुरानी गुफा को खोल दिया जाता है, जिसके अंदर होते हुए आप वैष्णो माता के दर्शन प्राचीन मार्ग से करके आते हैं। आपको एक अच्छा आइडिया देने के लिए बता दें, पिछले काफी टाइम से पुरानी गुफा को जनरली रात को 9 से 11 के बीच में खोला गया था। आप में से जो लोग पुरानी गुफा में गए हुए हो वो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी अगली क्वेरी थी फ्री अथका आरती से रिलेटेड। अगर आपको अथका आरती में फ्री में बैठना है तो उसके लिए आपको इसी गेट नंबर 3 पर सुबह 4:30 बजे तक पहुंच जाना है। 5 बजे ये गेट खोला जाता है। शुरू के 50 श्रद्धालुओं को फ्री में अथका आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब लेने चलते हैं माता के लिए भेंट प्रसाद। प्रसाद लेने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए। महामाई के दर्शन के लिए आपको इसी गेट नंबर 3 से एंट्री करनी होती है, जिसको स्काई वॉक भी बोलते हैं। इसके अलावा सभी गेट से बस VIP पास वाले ही एंट्री करते हैं। अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसलिए आपको हम मिलते हैं दर्शन के बाद। सभी भक्तों को जय माता दी। माता रानी के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। आप सब भी आए और जल्द से जल्द माता रानी के दर्शन पाइए और अपनी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। जय माता दी। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अलौकिक और मनमोहक दर्शन हुए माता रानी के। आप सब भी आइए, अपनी फैमिली को लाइए, बच्चों को लाइए। बहुत ही अच्छा मौसम है और माता रानी के शीर्ष चरणों में अपनी हाजिरी लगाइए। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। जय माता, जय माता। भीड़ ज्यादा नहीं थी तो दर्शन करने में हमें अराउंड 30 से 40 मिनट लगे। गुफा के अंदर माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती पिंडी रूप में विराजमान हैं। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं अगर आपको माता के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ है। माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें। माँ भगवती के दर्शन के बाद
भैरव मंदिर में दर्शन करना भी जरूरी होता है, जिसके बिना आपकी वैष्णो देवी यात्रा अधूरी मानी जाती है। भैरव घाटी यहाँ से अराउंड 3 किलोमीटर ऊपर है, जिसके लिए बेस्ट रहता है आप यहाँ से रोप वे से जाएं, जो सिर्फ 5 मिनट में आपको ऊपर भैरव घाटी उतार देती है। रोप वे की टिकट के लिए यही लाइन में लगना होता है, इसके लिए लाइन में कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता है। इसकी बोथ साइड टिकट रहती है 100 रुपीज। रश को अवॉइड करने के लिए आप रोप वे की बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हो। आपको बताते चलते हैं, नीचे कटरा से भी सांझी सत तक रोपवे का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है, जो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें जो चढ़ाई है पैदल 4 से 5 घंटे में करते हैं, वो बाय केबल कार 10 मिनट में कवर हो जाएगा। ये अपडेट उनके लिए काफी अच्छी है जो फिजिकली थोड़ा वीक है और सस्ते में ऊपर तक पहुँचना चाहते हैं। भवन से भैरव घाटी की रोपवे रात के टाइम बंद रहती है, इसलिए हमें पैदल चढ़ाई करके ही ऊपर जाना होगा। यहाँ पर खड़ी चढ़ाई है, आप चाहे तो यहाँ से भैरव घाटी तक पोनी भी ले सकते हो, जिसका चार्ज रहता है 400 रुपए। आप देख सकते हो इतनी ऊंचाई से माता का भवन कितना सुंदर और अद्भुत दिखाई दे रहा है। जनवरी से फरवरी तक यहाँ पर आपको बढ़िया स्नोफॉल भी देखने को मिलती है। ये है लास्ट ईयर जनवरी के कुछ नजारे। रात को अराउंड 12:30 बजे हम पहुंच गए हैं भैरव मंदिर। मान्यताओं के अनुसार नीचे भवन पर जब माँ वैष्णो देवी और भैरव नाथ का युद्ध हुआ था, तो माता ने कृपाण के वार से भैरव बाबा का सर काटा था और उनका शीश यहाँ पर आके गिरा था। उनके संगार के बाद उन्होंने महामाई से क्षमा याचना की, जिस पर माता ने उन्हें माफ कर दिया और कहा कि मेरे दर्शन के बाद हर भक्त तुम्हारे दर्शन करने भी आएगा, तभी उसकी यात्रा पूरी मानी जाएगी। तभी से यहाँ पर भैरवनाथ खुद विराजमान है और साथ में हनुमान जी की दिव्य मूर्ति भी है। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप यहाँ से भैरव बाबा की भभूति भी अपने साथ जरूर लेके जाएं। यहाँ पर भैरव बाबा का लंगर भी चलाया जाता है, जहाँ पर आप फ्री में स्वादिष्ट भोजन कर सकते हो। ये है लंगर की टाइमिंग्स। सुबह के 1 बजे करीब हमारी वैष्णो देवी यात्रा संपन्न हो गई है। अब हम सांझी छत और हाथी मथा मार्ग से नीचे कटरा के लिए निकल रहे हैं। मात्र 40 मिनट के अंदर हम उतर के सांझी छत पर पहुंच गए हैं। कटरा से आने वाले हेलीकॉप्टर्स यहीं हेलीपैड पर उतरते हैं और बहुत जल्द यहां तक रोपवे भी बनाई जा रही है। सांझी छत में 24 घंटे माँ भगवती का हलवा चने का प्रसाद भी चलाया जाता है। यहाँ रुककर आप ये प्रसाद जरूर ग्रहण करें। अब इसी रास्ते से हमने सीढ़ियों का मार्ग ले लिया है, जिससे ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम से ही हम कटरा पहुंच जाएंगे। अब बात कर लेते हैं नीचे कटरा में खाने के ऑप्शंस की। कटरा में मेन मार्केट में आपको सभी जगह छोटे और बड़े रेस्टोरेंट्स और ढाबे मिल जाते हैं, जहाँ पर आप काफी कम खर्चे में लंच और डिनर कर सकते हो। हमने भी यहाँ पर ट्राई किए यहाँ के छोले पराठे, जिसका पर प्लेट प्राइस था 50 रुपीज। टेस्ट वाइज भी एकदम परफेक्ट था। इसके अलावा आपको यहाँ कुछ स्ट्रीट फूड ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। हमारे नीचे आते ही यहाँ बारिश और ऊपर भवन पर स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। वैष्णो देवी दर्शन के बाद हमारे काफी सारे व्यूअर्स कश्मीर ट्रिप का भी प्लान करते हैं और फैमिली कश्मीर ट्रिप के ऊपर हमारी पूरी सीरीज बनी हुई है। इसमें हमने वैष्णो देवी से कश्मीर तक पहुंचना, वहां की मस्ट विजिट प्लेसेस, स्नोफॉल, बजट टूर पैकेजेस से रिलेटेड सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दे रखी है। उस पूरी सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपकी कोई और क्वेरी रह जाती है, तो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ऐसे ठंडे मौसम में एक कड़क चाय तो बनती है। चाय पीने के बाद हम निकलेंगे रेलवे स्टेशन के लिए। यहाँ रेलवे स्टेशन के अंदर भी IRCTC का फूड लॉज है, जहाँ पर आप अपनी ट्रेन लेने से पहले डिनर कर सकते हो। माँ भगवती की कृपा से हमारी वैष्णो देवी यात्रा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दें और इसके अलावा आपकी वैष्णो देवी या कश्मीर टूर के ऊपर कोई भी क्वेरी हो, उसे आप हमें इंस्टाग्राम या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको भी माता रानी का बुलावा आ गया है, तो आप अपने जाने की डेट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जय माता दी लिखना ना भूलें। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।
मिलते हैं आपसे किसी और जगह पर। जय माता दी।